Welcome back. Vlog number, I don't know what, but आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ इस स्टूपिड एनवीए चैनल पर. आज डेट क्या है, 23rd ऑफ मई. वक्त हो चला है 11 बज रहे एंड सुबह के 11 बज रहे एंड मैं उठ गया था अराउंड 10 बजे करीब. तब से मैंने क्या किया, मैंने कार्डियो किया. अभी अपना ब्रेकफास्ट बना के आया हूँ, जो कि मैं अभी फट से एक छोटा इंट्रो क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ. अंदर आई एम टू हैव माई ब्रेकफास्ट. तो इतने दिनों से कहाँ था मैं. वेल, मेरा शेड्यूल जो था बहुत अजीब हो गया था. एक बजे, दो बजे, ढाई बजे उठ रहा हूँ मैं सो के. तो रात में नींद नहीं आ रही थी. सो जब भी रात में नींद आए मेलाटोनिन. एक समय था जब मैं इस पर बहुत डिपेंडेंट था उसली, बिकॉज मेरी नींदें उड़ चुकी थी. बट द टाइम हैज पास्ड. एनीवे, अभी आज व्हाट्स द प्लान. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अपनी मील्स हम लोग ट्राई करेंगे एटलीस्ट 3 मील्स ले लें बिफोर वी हेड टू द जिम. एंड आज है लेग डे, बट आई डोंट नो इफ आई वुड बी एबल टू गो दैट हार्ड. जिस तरह से मैं यूजुअली ट्रेन करता हूँ, आई डोंट नो उस तरह से ट्रेन कर पाऊँगा. बिकॉज राइट वेयर जहाँ नो हैमस्ट्रिंग एंड योर ग्लूट्स मीट, एग्जैक्ट पार्ट का मेरे को नाम याद नहीं. सो वहाँ पे आई थिंक आई हैव पुल्ड समथिंग एंड बहुत दिनों से वो दिक्कत दे रहा है. येस, बट depends आज कैसा I feel, how I feel when I work out, right? Because वो part stretch होता ही होता है when you are doing a squat या आप stiff leg deadlift हो. So these two are my major movements for today. So let's see how I feel and उसके बाद हम लोग देखें कैसा perform करना है हमारा leg day आज. Are you more focused on the isolation work या you can go ahead and do compound work as well. So that's the plan for today. But abhi main bhag raha hu, fatak se apna breakfast karta hu and then ek nap aur and then I'll start my day. Okay, so abhi breakfast mein kya hai, I'll tell you. Abhi dikha nahi paunga. Sab log hai bahar. Abhi hai hamare paas 6 eggs hain, jisme se 4 whites hain, 2 whole hain, 100 grams of oats, 20 grams of walnuts, 1 scoop protein. इसका एक शेक बना हुआ है एंड टू बनानास. मैं बनाना शेक में नहीं डाल सकता हूँ, जस्ट यू टेस्ट ख़राब हो जाता है. मैं बनाना शेक भी नहीं पीता सिर्फ छोड़. ऐसा आई डोंट नो, ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट 30 सेकेंड एक मिनट के अंदर आप लोग गाली मिल सकते. वेल, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस गालियाँ टू दिस चैनल. नॉट दैट मच, बट थोड़ी बहुत. इट हेल्प्स मी एक्सप्रेस माई सेल्फ अ लॉट बेटर. सो We'll see that. Anyway, मैं आपको कैच करता हूँ जस्ट नेक्स्ट मील से पहले. एंड प्रॉब्ली मैं तब तक ना आ चुका हूँ, अगर नहीं ना आया तो जज मत कर, समझे. ब्रेकफास्ट इज डन. अब क्या है, ब्रेकफास्ट इतना भारी हो जाता है कि मेरे को थोड़ा बैठना पड़ता है, थोड़ा समय अकेले बैठना पड़ता है. ओह, एंड डू यू ओवर गेट ब्लोटेड, ऐसा लगता है प्रेगनेंट लेडी हूँ. एनीवे, सो नाउ ब्रेकफास्ट हो चुका है तो ऑफकोर्स नाउ इट्स टाइम फॉर माई डेली सप्लीमेंट्स. एंड आई थिंक मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या क्या खाता हूँ. एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद, दिस इज विटामिन सी. नाउ द परफेक्शनिस्ट इन मी, मैं अगर एक गोली में निकालूँगा उसको चॉप ऑफ करता हूँ. आई जस्ट वॉन्टेड टू बी परफेक्ट हर तरीके से. सो विटामिन सी इसका आई थिंक आई हैव लाइक 4 टैब्स. तो 2000 mg mcg जो है. आई गॉट लेवल 52, दैट्स लेवल केयर, राइट. 4 टैबलेट्स उसकी. सिस्टोन किडनी केयर, 4 टैबलेट उसकी. विटामिन ई अराउंड 800 mg डेली, सो 2 कैप्सूल्स.
Then ashwagandha, crazy thing. Ashwagandha ki bhi do tabs lete hain. So I guess it's diyega jo 500 mg. Yeah, 500 mg. Then we have wild fish oil. This is, I think, this is omega 3. Yeah, so omega 3. Or yes, garlic extract. So omega 3 in garlic extract, heart health. Vitamin B complex. See, bola tha na. And last here. Multivitamins. Multivitamins bhi kha rahe ho Ajaz ji. And then you're having all the vitamins separately as well. Yes. So mostly अगर आपके बॉडी में सी दो टाइप के विटामिन्स हैं, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, राइट. सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो वो निकल जाते हैं. सो व्हाट यू हैव टू वरी अबाउट, राइट. बी विटामिन्स एंड सी, विटामिन सी ये है वाटर सॉल्युबल. सो अगर इनकी ज़्यादती हो जाती है तो दीज कम आउट, राइट. एंड ठीक है, दिस इज गुड. ओह फक, एक और चीज़, आई फॉरगॉट, ग्लूकोसामाइन. जॉइंट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ बहुत ज़रूरी है भाई, स्पेशली इफ यू लिफ्टिंग moderately heavy, बहुत ज़रूरी है. सो कटोरी भर के है हमारे पास दवाई है, इसमें विटामिन D3 भी है. D3 की बॉटल आप चुकी उसके रूम में पड़ी है. सो D3 मैं लेता हूँ 2000 IU डेली. एंड देन देयर इज टंकट आली विच आई यूज़ फॉर टेस्ट सपोर्ट. दिस इज दैट सेम 500 mg. सो मैं फटाफट ये खाता हूँ, देन आई एम गोइंग टू स्लीप जस्ट अ लिटिल बिट फॉर अबाउट 50 मिनट्स एंड देन उठ के फिर से ईट टाइम. सो आई विल कैच यू ऑन द नेक्स्ट मील. ये भी एक मील ही है अपने. ओके, मैं सो के उठ गया हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट इतनी अच्छी नींद नहीं थी, बट जो भी मिला, जो भी नसीब में था वो गॉट दैट. नाउ टाइम हो गया है फॉर नेक्स्ट मील. ऑलमोस्ट 3 हो चुका है, फिर ज़्यादा ही सो गया. सो there's a meal, chicken, rice, doesn't get better than this, and thoda si homemade mummy ke haath ki hari chutney. Now rice is about 350 grams, chicken 170. Chutney mein measure nahi karta, swaad mein sa dekha jaye. Mere ko na bahut gandi aadat lag chuki hai sone ki. पहले मैं दिन में नहीं सोता था, नाउ जैसे ही वक्त मिलता है पसर जाता हूँ, लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ. आशा करता हूँ ये आदत कंटिन्यू ना रहे, बिकॉज आई कैन डेफिनेटली यूटिलाइज टाइम बिटवीन माई मील्स फॉर समथिंग एल्स एंड आई हैव प्लान्स फॉर दैट. उनको एग्जीक्यूट करते हैं. एनीवे मैं फट से ये खाता हूँ, कंप्यूटर में टी वी कुछ देखते हुए अच्छे से खाता हूँ एंड उसके बाद मील 3 के वेट करेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ आज मैं 3 मील्स, एटलीस्ट 3 मील्स खा के तब जिम जाऊँ, ताकि मेरा पेट इज़ अ लॉट मोर फुलर एंड जिम से आके आई कैन हैव माई 2 or 3 मील्स जैसा भी वक्त अलाउ करे. Because anyway, I'll catch you guys in a little bit. ठीक है? ठीक है. So एक और बारी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक और बार मैं सो गया था, एक और बारी मैं खाना लेके आ चुका हूँ. चिकन एंड राइस अगेन. स्केल थोड़ा डिफरेंट है. राइस 300 ग्राम, चिकन स्टेज द सेम, चिकन 170 ग्राम एंड
good old people. Okay, so usually main aapke baad hota hu, so I feel pretty energetic. But abhi halki halki thakan si lag rahi hai. I guess I'm tired of sleeping. Anyway, iske baad main nahi soonga. Iske baad I'm going to go ahead and take a bath, and main aur mera chhota bhai hum log chale jayenge gym, right? As I told you guys, aaj hai leg day. It'll be good. High hopes. And let's see, a little bit of soul talk. Yeah, bahut acha ek message. Bahut chuninda log aise bhi dekhte hain log, to jab aapke samne aapka goal ho, तो दिल टूटना या किसी अनकही परेशानी को का आ जाना या होपलेस होना डजंट मैटर. जब आपके सामने आपका गोल है, सो यू जस्ट हैव टू वर्क विद इट. क्या बड़ा अच्छा एक कोट टाइप से चलता है ना, ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू. या दैट दैट नोट मैं टीवी चालू करता हूँ, कुछ देखता हूँ एंड खाना फिनिश करके आप लोगों को आई गेस नेक्स्ट मैं मिलूंगा इन द कार. सो लेट्स सी, आज हम लोग एक्सरसाइज स्प्लिट्स के ऊपर बात करते हैं. चलो इन द कार. I'll see you in the car. So, हम लोग आ गए हैं गाड़ी में, मैं और मेरा छोटा भाई. छोटे भाई का बैक टू द जिम सेकेंड डे है. एंड आप लोगों को मैं बताते हुए बहुत खुशी फील करूँगा कि हम लोग ट्रैफिक में फंस चुके हैं. ट्रैफिक में फंस एंड दिस इज नॉट अ रेगुलर अकरेंस. सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही दिल्ली में मौसम ख़राब होता है, एवरीबडी लूजेस देयर माइंड. देखो ये भी भाई, ये भी जिम जा रहे हैं नहीं. सो सब लोगों का ना दिमाग ख़राब हो जाता है, राइट? सी इस लड़की को दिखाओ, जो यू टर्न ले रही है बीच ट्रैफिक में. I say own that shit, man. The fuck out of it. Anyway, Google Maps के हिसाब से तो मैं 30 मिनट में पहुंचना है मेरे को. और जिस तरह की ट्रैफिक कंडीशंस हैं, मेरे को घर से निकले 15 मिनट हो चुके हैं. एंड मैं हाफ वे भी नहीं पहुंचाऊँ, लिटरली क्वार्टर भी नहीं पहुंचाऊँगा. तो सो आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, कैसे मैं किस वक्त पर जिम पहुँचूँगा. बट आई नो दैट मेरा खाने का रूटीन इज गॉन. एनीवे, थोड़ा मैं ट्रैफिक से निकलता हूँ आप लोगों को, तब मैंने जैसे बताया स्प्लिट के बारे में बात करेंगे हम लोग, तब स्प्लिट के बारे में बात करते हैं, राइट? Thank you.
जिम से निकल रहा था, मेरे पैर कांप रहे थे। इट वाज सो गुड, वर्कआउट बहुत अच्छा था। इज इट गोइंग टू हर्ट टुमारो? बहुत ज़्यादा, बट इसी के लिए तो मैं करता हूँ। एनीवे, सो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने मिस करी हैं। क्यों मिस करी वो भी बताता हूँ। पहले ये बताऊँ कि क्या मिस किया। सबसे पहले आपने लेग एक्सटेंशन मिस किया ना, कुछ ऐसा ताबड़तोड़ अलग सी कोई चीज़, दुनिया से अलग चीज़ मैंने नहीं करी, तो इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट मेरे को लेना बाबल स्क्वाट था, बट हैक स्क्वाट लेना पड़ा, सिंस एक ही स्क्वाट रखा एंड वो था बिजी। सो हैक स्क्वाट पे मैं गया 224 6 रेप्स, देन ड्रॉप करके आई वेंट फॉर लाइक 100 केजी से आई गेस 6-7 रेप्स और निकाले, बिकॉज उसके आगे मेरे से एक रेप और नहीं होने वाला था, तो उतना ही काफ़ी था। उसके बाद आई थिंक मैंने लेग प्रेस, या लेग प्रेस करी, लेग प्रेस की वीडियो है, एंड लेग प्रेस के बाद आई थिंक सब चीज़ों की वीडियो है, सिर्फ स्टैंडिंग स्टैंडिंग काफ रेसेस की वीडियो नहीं होगी, क्योंकि उस पर मैंने कोई अलग चीज़ नहीं करी। सेम जैसे आप देखोगे कि मैंने काफ रेज, जो सीटेड काफ रेज हैं, उसको मैंने क्या किया, जो स्ट्रेच पोजीशन है उसको मैंने 10 काउंट्स के लिए होल्ड किया एंड देन एक एक्सप्लोसिव पॉजिटिव दिया, राइट? सो ट्राई दैट आउट, आपके काफ मसल्स जलेंगे। आप मेरे को गालियां दोगे अभी के लिए जब तुम वर्कआउट करोगे, बट उसके आगे यू थैंक मी बिकॉज इट विल हेल्प यू पुट ऑन साइज। इससे भी नहीं हुआ तो भाई छोड़ देना हो, सीधी सी बात। नाउ व्हाट्स द प्लान? सो मैं जा रहा हूँ अभी घर, प्रोटीन का सेवन करते हुए, और घर जाके खाना खाएंगे एंड सो जाएंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंड ट्यून इन अगेन आई गेस। मैं ट्राई करूँगा इस वीक एक और वीडियो डालूँ।
If not, next week to. Next week to pakka la rung. So, thanks for watching, and I'll see you again very soon.